अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं नाज़िर। नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। लोकल काउंसिल और आम इंतखाबात के बाद राज़ी काउंसिल का पहला इजलास मेयर काउंसिल शकील अहमद की सदारत में मुनक़िद हुआ। काउंसिल लीडर नीला मोंट और दीगर काउंसलरों की शिरकत। इस मौके पर राष्ट्रीय काउंसिल के लीडर नीला मोंट ने कहा कि राष्ट्रीय काउंसिल बदअनवानी नहीं बल्कि साबिक एमपीए और वर्कर पार्टी के रहनुमा जॉर्ज गैल्वे की मई में हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर में इल्जाम की तरतीद की और कहा कि मैंने 16 मई को मिस्टर जॉर्ज गैल्वे को लिखकर कहा कि उनकी तरफ से बदअनवानी के इल्जाम लगाने के सबूत दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। काउंसिल इजलास में कम्युनिटी के मुफादात को तहफ्फुज देने के लिए पेश की गई तीन तहरीक मंजूर कर ली गई। काउंसिल लीडर नीला मोंट ने मजीद कहा कि बरतानिया में आम इंतखाबात के बाद मरकज में भी हमारी जमात बरसर इकदार आई है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और राज़ियों के रिहायशियों को नए रोजगार के मौका मैसर करेंगे। जी, आज हम लोगों का ये जो रोशनल काउंसिल का ये पहला इजलास था और ये इस लिहाज से बड़ा खुश आइंदा इजलास था कि यहाँ पे हमारे जो नेशनली लेबर गवर्नमेंट बनी है उसके बाद ये पहला इजलास था हमारा। तो ये बहुत कम होता है कि लोकल काउंसिल जो है वो भी रोशनल काउंसिल लेबर की हो और नेशनल गवर्नमेंट जो है वो लेबर की हो। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारी नेशनल और लोकल गवर्नमेंट जो है मिल के हमारे जो रेजिडेंट हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए हम लोग बड़े अच्छे मनसूबे बनाएंगे। प्रॉपर फुल काउंसिल मीटिंग ऑफ द ईयर सिंस लोकल इलेक्शंस एंड नाउ ऑब्वियसली सिंस द जनरल इलेक्शन। Looking forward to a productive year where we can work in collaboration with the government in bringing lots of improvements, particularly new jobs to the borough. आज की जो फुल काउंसिल की मीटिंग आपने इसकी कवरेज की, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजी तौर पर अभी इलेक्शन हुए हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिसमें जो है ना वो हमारी पार्टी ने जो है ना वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करने के बाद जो है ना वो गवर्नमेंट बनाई है। तो होपफुली जो है ना वो जो है ना हम जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारा पहला इजलास था 24-25 काउंसिल का और लेबर पार्टी के गवर्नमेंट में आने के बाद, और मेरा ख्याल है कि आज की जो काउंसिल की मीटिंग थी वो बहुत ही पॉजिटिव रही और हम खास करके जो हमने तीन मोशंस पास की और हमें उम्मीद है कि उन मोशन से हमारे बहुत सारे रेजिडेंट्स को फ्यूचर में फायदा होगा। और कौंसल की शाहरात के तर्जमान कौंसल शाह वजीर ने कहा कि रांची के अंदर रेलवे पुल को बेहतर बनाने के लिए दो हफ्ते मोटरवे दोनों तरफ से बंद रहेगी। हम मुकामी कम्युनिटी के मुफादात और उन्हें बेहतर सहूलियत फ्राहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की मदद से हिकमत अमली तय करेंगे। कौंसल प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मरकज में भी अब लेबर पार्टी की हुकूमत है, जिससे हमें मुकामी सतह पर कम्युनिटी को बेहतर सहूलियत देने में मदद मिलेगी। कौंसल फैसल राणा और कौंसल समीना जहीर का कहना था कि मुकामी कौंसल लेबर हुकूमत के साथ मिलकर कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और हमने कौंसल इजलास में जो तहरीक मंजूर की है उनका मकसद भी कम्युनिटी की फलाह बहबूद की मुतलका है। राष्ट्रीय काउंसिल ने आम इंतखाबात के बाद होने वाले पहले इजलास में मुकामी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए तहरीक मंजूर कर के अवामी खिदमात का अमली नमूना पेश किया। राष्ट्रीय बरतानिया से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरफ चौधरी। अंडरग्राउंड न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।